वेलकम टू ऑल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फंजाई के एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक क्या है और उनके क्लासेस कौन से एग्जांपल्स कौन से फंजाई किस क्लासेस में आती हैं। उसको देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई। फर्स्ट इज ए क्लोरोफिलस, दैट मीन्स क्लोरोफिल इज एब्सेंट। क्लोरोफिल एब्सेंट होगा दैट मीन्स ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहेंगे फॉर द फूड, तो उसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। क्लियर। थैलोफाइटा होते हैं, थैलस प्रेजेंट होता है, थैलस के फॉर्म में होते हैं। क्लियर। थैलस के फॉर्म में होंगे तो क्या होगा, कोई उसमें फूल पत्ती वगैरह नहीं है, यानी कि क्रिप्टोगैमस। मींस नो फ्लावरिंग। नेक्स्ट नॉन एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे जायगोटिक मियोसिस होता है। जायगोटिक मियोसिस। क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर द एग्जाम्पल पर्पस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ए वैस्कुलर, मीन्स वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, वैस्कुलर बंडल एब्सेंट। वैस्कुलर बंडल में आपके क्या आते हैं, जाइलम एंड फ्लोयम, दोनों एब्सेंट होते हैं, कोई वैस्कुलर बंडल नहीं होता। क्लियर। तो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई। नाउ वी आर कमिंग टू द क्लासिफिकेशन। ब्रॉडली अगर देखें, ब्रीफली देखें, इसको चार क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज, लास्ट दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको भी अगर हम देखें तो इसमें जो आपका सेक्सुअल बॉडी होती है वो होती है एस्कस, इसमें होती है बेसिडियम। क्लियर। जो स्पोर्स होते हैं फाइकोमाइसिटीज, ये क्या होता है, ये एसेप्टेट होता है। क्लियर। सीनोसिटिक तो होगा ही। एंड ये कैसे होते हैं, ये सारे सेप्टेट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्लियर। ये ब्रॉडली ऊपर का था। अब हम आ जाते हैं वन बाय वन इसकी ट्रिक पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिक फॉर द फाइकोमाइसिटीज। इसकी ट्रिक क्या होगी, रिजवान एंड मुकेश ने ऑल फिजिक्स रट ली, हिंदी में लिख लो रट ली, पढ़ ली, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, पढ़ ली। ठीक है। राइजो का मतलब, रिजवान मतलब
राइजोबस, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। क्लियर मुकेश, दैट मीन्स म्यूकर, ऑल मीन्स एल्ब्यूगो। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए ट्रिक पढ़ रहे हो, तो फाइको मीन्स, फिजिक्स मीन्स फाइकोमाइसिटीज। और पीथियम भी होता है इसका एक एग्जांपल, जैसे टैंपिंग ऑफ डिजीज होती है। ठीक है, दैट कॉजेज द डैम्पिंग ऑफ डिजीज, एग्जाम्पल में पूछा जाता है। वैसे ओमाइसिटीज का है, बट इसमें सब क्लासेस में आ जाते हैं ना। रिजवान एंड मुकेश ने ऑल फिजिक्स पढ़ ली। रिजवान, राइजोपस, दैट इज ऑल कॉमन नेम इसका है ब्लैक ब्रेड मोल्ड। मुकेश, म्यूकर, ऑल मीन्स एल्ब्यूगो। फिजिक्स किसकी ट्रिक पढ़ रहे हो, फाइकोमाइसिटीज की। और पीथियम भी इसमें आ सकता है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट ट्रिक फॉर द एस्कोमाइसिटीज, फॉर एस्कोमाइसिटीज इसको ये पेंसिल कल मेरी तरफ से नर्स आशा देगी। ठीक है, नर्स आशा है मेरी तरफ से कल इसको एक पेंसिल देगी। इसको मीन्स क्या हो गया आपका, किसकी ट्रिक है, एस्कोमाइसिटीज की। क्लियर, ये मीन्स ईस्ट। इसका अगर हम बोटैनिकल नेम देखें, दैट मीन्स सैक्रोमाइसिस। इकलौती फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, पेंसिल, पेंसिलियम, पेनिसिलियम। कल मतलब क्लैविसेप्स, मेरी मतलब मोरेल्स, तरफ से मतलब ट्रूफल। ठीक है, से हटा दो, सैक्रोमाइसिस हो चुका है। नर्स मीन्स न्यूरोस्पोरा, आशा मीन्स एस्परजिलिस। क्लियर, इसको ये पेंसिल कल, मान लो इस ये पेंसिल है, कल मेरी तरफ से नर्स आशा देगी। इसको मीन्स एस्कोमाइसिटीज, पेंसिल मीन पेंसिलियम, ये मीन्स ईस्ट हो गया जो कि एक क्लौती सैक्रोमाइसिस, इसका नाम है बोटैनिकल, ये क्लौती यूनिसेलुलर फंजाई है। कल मीन्स क्लेविसेप्स, मेरी मीन्स मोरेल्स, तरफ से ट्रूफल, नर्स मीन्स न्यूरोस्पोरा, आशा मीन्स एस्परजिलस। दिस इज द ट्रिक फॉर एस्कोमाइसिटीज। नाउ वी आर कमिंग फॉर द ट्रिक फॉर बिसिडियोमाइसिटीज। ट्रिक फॉर बिसिडियोमाइसिटीज, सिंपल ट्रिक है, उससे आज मैं परेशान रहा। उससे, उस मतलब अस्टिलागो। ठीक है, ये एक साथ है, अस्टिलागो कैसा फंजाई है, स्मट है। ठीक है, स्मट कॉज करता है। आज मीन एगेरिकस, एगेरिकस में मीन्स होगा मशरूम। एगेरिकस क्या है, मशरूम है। ठीक है, परेशान मीन्स पत्सीनिया। ठीक है, रहा मीन्स रस्ट, ये रस्ट कॉज करता है। क्लियर, आगे अगर आपको बिसिडियोमाइसिटीज जोड़ना है तो उसमें जोड़ लो, बस
बस उससे आज मैं परेशान रहा। बी मतलब बेसिडियोमाइसिटिस। क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द ड्यूट्रोमाइसिटिस। ट्रिक फॉर द ड्यूट्रोमाइसिटिस। नाउ आते हैं हम ट्रिक फॉर द ड्यूट्रोमाइसिटिस। ट्रिक फॉर ड्यूट्रोमाइसिटिस। डूड कुछ अल्टरनेटिव ट्रिक कलेक्ट करो। क्लियर। ड्यूट का हो जाएगा ड्यूट्रोमाइसिटिस। कुछ को छोड़ दो, अल्टरनेटिव मीन्स अल्टरनेरिया, ट्रिक मीन्स ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा एंड कलेक्स मीन कोलिटो ट्राइकम। क्लियर। दिस इज द ट्रिक फॉर द ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है। ड्यूट कुछ अल्टरनेटिव ट्रिक कलेक्ट करो। ड्यूट का हो जाएगा ड्यूट्रोमाइसिटिस, अल्टरनेटिव का अल्टरनेरिया, ट्रिक ट्राइकोडर्मा, कलेक्ट का कोलेक्टो ट्राइकम। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।